20 शहरों पर यूएई ने पाबंदी लगाई है कि ये भिखारी हैं। भाई हम क्यों ना भिखारी हों जब हमारे ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा कशकोल लेके। माल सवाल किया आपने, इन्होंने वोट वहीं डाला था जहाँ से निकला है। और मुश्किल ये थी, कई दिनों मुझे यही पता नहीं चला था कि बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी में कितना फर्क होता है। मैं अपने बच्चों का सोचता हूँ तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा पाकिस्तान दे रहे हैं हमसे। जो हमारे बड़ों ने हमें दिया था उससे भी बुरा पाकिस्तान हम आपको दे रहे हैं। इस बात से एग्री नहीं करती कि हम आपको बहुत बुरा पाकिस्तान देके जा रहे हैं, हम आपको बहुत अच्छा पाकिस्तान आने वाली नस्लों को देके जा रहे हैं। बड़ी सर, तकरीबन हमारी यूथ का सवा सत्यानाश हो चुका है। यहाँ 97% शक्लें जो बैठी हुई हैं उनके जहन में दिल में यही चीज़ है कि हमने फॉरन डिग्री करनी है और बाहर निकलना है। मैं यहाँ एग्जाम्पल दूँ, एक लड़का 20 रुपये CDS रहा इस्लामाबाद में चारपाई पर सोता था और आज वो मेरे सामने इरशाद भट्टी बनकर बैठा हुआ। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम इस पे यकीन रखते हैं बीइंग अ डेमोक्रेट कि नहीं यकीन रखते? पार्लियामेंट सुप्रीम है। कौन सी भाई पार्लियामेंट? जो मैंडेट लेके आती है वो पार्लियामेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आजाद अदलिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 26वीं आईनी तरमीम लोटों की वजह से लाए और काजी फैज़ ईसा लोटा क्रिसी जायज करार दे के गए। आगे चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। के दिलों का बयानिया है, दिलों का बात तो पीते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इरशाद भट्टी ने लाइव शो में हमेशा हुकूमत को डिफेंड करने वाली एंकर पर्सन रीदा फरूकी को लाइव शो में ऐसा बेइज्जत किया कि रीदा फरूकी को नानी याद करा दी। और साथ ही साथ इरशाद भट्टी ने फार्म 47 पर खड़ी शहबाज सरकार को ऐसा बेनकाब किया कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। आइए पहले इरशाद भट्टी और रीदा फरूकी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस बार तफसील से बात करते हैं। भट्टी साहब, लेकिन यहाँ पे तो बेहतरी नहीं आ रही? आहिस्ता आहिस्ता नौजवान कहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन अब आना शुरू हो रही है, हम वोट डालते हैं, वोट के जरिए हमारी आवाज़ जो है वो आगे जाती है। अब वो दौर चले गए कि आप जो है वो आराम से किसी को भी हाँक लेंगे और उसको किसी लाइन पे भी लगा देंगे। अब ये रेजिस्ट करते हैं, ये सवाल करते हैं, वो टाइम आ गया या नहीं? कमाल सवाल किया आपने, इन्होंने वोट वहीं डाला था जहाँ से निकला है। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ रीदा फरूकी साहब ने अंग्रेज़ी में कहा है वो मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ जहाँ 6ठी क्लास में ABC शुरू की थी। और मुश्किल ये थी, कई दिनों मुझे यही पता नहीं चला था कि बड़ी ABC और छोटी ABC में कितना फ़र्क होता है। और हमारे एक टीचर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो CUP कप की बजाय हमें पढ़ाते थे CUP सप। तो वहाँ से, तो इसलिए रीदा फरूकी साहब से माजद के साथ आपके मैं जो कुछ इन्होंने जेम और डायमंड कहा है वो मेरी तरफ से भी। बहुत अच्छा लगा आप में बैठ कर, और आप मुझसे ज़्यादा सच्चे हैं, आप मुझसे ज़्यादा आप में अवेयरनेस है, आप मुझसे ज़्यादा जुरतमंद हैं, आप मुझसे ज़्यादा इजहार करने वाले हैं। आपको एक ख़ास बयानिए के तहत, हाँ समटाइम होता है कुछ जो चैनलाइज नहीं है आपका इज्तिजाज या आपकी आवाज़, वो भी जब आपको चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो फिर इस तरह होता है, लेकिन आप बदतमीज़ नहीं हैं। आपकी जो देख के मुझे होप मिलती है कि हम जो एक कम्प्रोमाइज़ किस्म का पाकिस्तान लेके आ रहे थे, एक ख़ास किस्म की बारियाँ लगी हुई थी, एक ख़ास किस्म का जिन जफ्फा था, इलीट थी, एक कैप्चर इलीट कैप्चर था, उम्मीद लगती है कि उसमें से अब कुछ चीज़ें सीधी होंगी। और आपने इसी तरह अपना काम जारी रखना है, और जहाँ बदतमीज़ी नहीं करनी, कहीं भी बदतहजीबी नहीं करनी, लेकिन जहाँ भी मिले उसको आपने अकाउंटेबल करना है। और पाकिस्तान आपके आपकी तरफ देख रहा है, हम फारिग हो गए हैं, आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो कोई हम अच्छा पाकिस्तान आपको नहीं दे सके। जब मैं अपने बच्चों का सोचता हूँ तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा पाकिस्तान दे रहे हैं हमसे। जो हमारे बड़ों ने हमें दिया था उससे भी बुरा पाकिस्तान हम आपको दे रहे हैं, लेकिन होप नहीं छोड़नी चाहिए। आप जब आएंगे सारे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पाकिस्तान बनेगा। और हम मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि हम आपको बहुत बुरा पाकिस्तान देके जा रहे हैं, हम आपको बहुत अच्छा पाकिस्तान आने वाली नस्लों को देके जा रहे हैं। लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर इसको ले भी नहीं जा रहे, भी बड़ी उम्र है आपको। लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हम ये कह भी दें कि हम आपके लिए उतना अच्छा पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहे, तो इसलिए बिकॉज आप लोग हमसे ज्यादा केपेबल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जी, बड़ी साहब, तकरीबन हमारी यूथ का सवा सत्यानाश हो चुका है। यहाँ 97% शक्लें जो बैठी हुई हैं उनके जहन में दिल में यही चीज़ है कि हमने फॉरन डिग्री करनी है और बाहर निकलना है। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें ऐसे इनिशिएटिव नहीं ले पाई जो इनको सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुआशरे का और मीडिया का, खास तौर पर मुआशरे का, बहुत हद तक नेगेटिव रोल है इसमें? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जहन में ये चीज़ डाली जाती है कि मुल्क के अंदर कुछ नहीं है, और जब वो उस सूरत हाल में आता है कि वो डिसीजन ले पाए, वो उस वक्त तक उसका अकीदा बन जाता है कि मुल्क में वाकई कुछ नहीं है। फिर वो उन लोगों को नहीं देखता जो इसी मुल्क में स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दूँ, एक लड़का 20 रुपये CDS रहा इस्लामाबाद में चारपाई पर सोता था और आज वो मेरे सामने इरशाद भट्टी बनकर बैठा हुआ। शुक्रिया। हम ना अच्छा पाकिस्तान दे सके हैं, ना अच्छा तालीम। हमारा आइन जो है, जो कि अब गालबन कई बार टूट चुका है हमारी नज़रों के सामने, और उस आइन में बुनियादी क्या है हकूक कि आपको मुफ्त तालीम देंगे? आपको मिल रही है मुफ्त तालीम? मिल रही है? हम मुफ्त सेहत की सहूलियात देंगे? मिल रही है? आज़ादी इजहार राय देंगे? मिल रहा है? और उसके अलावा हम आपको मौके देंगे जॉब्स के, इस मुल्क में आगे बढ़ने के। मुझे बताएं, जहाँ जितनी लड़कियाँ हैं बैठी हैं, क्या इनमें कोई कम है? मरियम नवाज़ साहब से कोई कम टैलेंटेड है? तो क्यों
आप में से क्यों नहीं कोई सीएम बन सकता? क्यों? क्योंकि आपने से कोई नवाज शरीफ साहब की बेटी नहीं है। हम जितने बैठे हुए हैं इधर, इन्हें बताएं कोई बिलावल भुट्टो से कम एजुकेशन उसकी है या कुछ नहीं है ना? मुझे तो लगता है ज़्यादा ही होंगे, सारे ही ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के आप बेटे नहीं हैं। तो आपको अगर आप लगारी मिजारी या बड़े ख़ानदान में, किसी ख़ानदान का नहीं कह रहा, बड़े ख़ानदान से, बड़े बैकग्राउंड से ना नहीं होंगे तो आपको मौके नहीं मिलेंगे। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हमें बताया जाता है कि डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, और आप अगर एक पिलर का उखाड़ दें तो दो पिलर में बिल्डिंग तो नहीं खड़ी हो सकती। ठीक, लाइक यू टेकिंग द वॉइस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द जुडिशरी, वो आज़ाद अदलिया तो नहीं रही फिर। अब जब आज़ाद अदलिया ही नहीं रही तो फिर आज़ाद यूथ कहाँ रहेगी? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आदिल साहब। एक तो मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप में से कोई आदिल साहब आप दे दीजिए, या आप में से कोई अदलिया आज़ाद कैसे नहीं है? अदलिया तब आज़ाद नहीं है जब मुझे पता है कि तीन चीफ जस्टिस में से मैंने एक प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेजिडेंट ने चूज करना है उसको, और वो मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट ने तो चूज नहीं किया। नो, बट जिस पे द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस वॉज नॉट जस्टिस याह्या अफरीदी, दैट इज द पॉइंट। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है, द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस इज आर द सीनियर मोस्ट, जो सीनियर मोस्ट होता है वो एक घंटे के लिए कैसे बने हैं चीफ जस्टिस? ही वाज सिलेक्टेड, वी ऑल नो दैट। सिलेक्टेड बाय हूम? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क, बाय हूम? यही तो प्रॉब्लम है। हम सबके हाथ में माशाल्लाह ये स्मार्टफोन्स आ गए, महंगे हो या सस्ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। इस स्मार्टफोन पे जो बयानियां हमें नजर आएगा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन इज इवन लेसर देन 30 सेकंड्स। कहा जा रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के बन जाने से अदलिया की आजादी खत्म हो गई है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम इस पे यकीन रखते हैं बींग अ डेमोक्रेट कि नहीं यकीन रखते? पार्लियामेंट ने एक आईन में तरमीम की, उसने कहा, आप इस पर अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दीजिएगा, उसने कहा जी एक कमेटी बनेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, प्रेसिडेंट है ही नहीं, जिसमें हुकूमत के भी लोग हैं, ऑपोजिशन के भी लोग हैं, विद प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। उसने चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, नॉट सिलेक्ट, नॉट चोजन। बड़ी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे तीन पिलर थे, हुकूमत, पार्लियामेंट, आजाद अदलिया। अल्हम्दुलिल्लाह आजाद अदलिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, कौन सी भाई पार्लियामेंट? जो मैंडेट लेके आती है वो पार्लियामेंट। और दूसरा, जस्टिस याह्या अफरीदी क्यों चीफ जस्टिस बने? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर को नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि वो हमारा इलेक्शन डाका जो है वो कहीं ना खोल दें। और बात ये है कि अब कौन सी हम अल्यूजन्स की बात कर रहे हैं? हम इतनी दीदा दलेरी से कैसे कोई चीज़ झुठला सकते हैं? क्या किया आपने? बारह वो लोग बिठाए जो SHO और सिविल जज ने और पटवारी लगाने के लिए कोशिश करते रहे पूरी उम्र, उनको आपने दे दिया आपने चीफ जस्टिस सेलेक्ट करने। क्यों भाई, किस लिए? अगर कोई कल याह्या अफरीदी साहब कहें कि आज के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करूंगा, तीन नाम मुझे भिजवाओ, तो आपको कबूल होगा? तो बुनियादी तौर पर इन्होंने किया ये है कि इन्होंने आज़ाद अदलिया का वजूद ख़त्म कर दिया है, और वो ख़त्म किया ज़ाती मफादात की वजह से। 26वीं आईनी तरमीम लोटों की वजह से लाए, और काजी फैज़ साहब लोटाक्रेसी जायज़ करार दे के गए। आगे चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अभी एक हमने देखा ना कि यहाँ पे क्लैपिंग हुई, किन चीज़ों पे हुई? एक पॉपुलिस्ट बयानिए पे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप लोगों ने चीज़ों को बेहतर तरीके से ये दिलों का बयानिया है, दिलों का बात कंप्लीट कर ली। पॉपुलिज्म, बाय द वे, माशाल्लाह आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मजीद पढ़ लिख लें। पॉपुलिज्म इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इट्स समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, राइट? सो इट्स बिकॉज इट प्रमोट्स फैशिज्म, इट प्रमोट्स डिक्टेटरशिप, ठीक है? सो तालियां हम लोगों ने बजानी हैं या बजवानी हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है कि मैं भी आपसे वो चंद एक जुमले बोल दूं, फलां चोर है, फलां डाकू है, अदलिया आज़ाद नहीं, पार्लियामेंट पर डाका है, वगैरह वगैरह, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आप लोग खुद फैसला करें, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद फिर खुद एनालिसिस भी करें और लोगों से बात भी करें। जो थोड़ी देर पहले भट्टी साहब भी जिस तरफ इशारा करे, तो मेरे ख्याल में एक बच्चे ने भी ये बात की थी कि यहाँ पे जब सिस्टम इस किस्म का है कि सियासी जमातों में आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली या दो फैमिलीज हैं, इन्हीं के बच्चों ने टॉप तक पहुंचना है, ना आप पहुंच सकती हैं, ना भट्टी साहब पहुंच सकते हैं, ना ये बच्चे पहुंच सकते हैं, तो वो अपने आपको इस सिस्टम में क्यों वापस लेकर आएंगे? वो कहेंगे हम किसी ऐसे सिस्टम में जाएं जहां पे हमारे टैलेंट की कम से कम कदर तो होगी, या हमारे पास सिफारिश होनी चाहिए, या कोई पर्ची होनी चाहिए, या फिर पैसा होना चाहिए जिसके बलबूते पे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैं तो समझती हूं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पाबंदी लगा दी गई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी है, इसको हटाना चाहिए। आप में से लीडर निकलेंगे, आप में से निकलेंगे जो आईने पॉलिटिकल पार्टी को लीडर बनेंगे क्या? कल तो दोबारा वो किसी शरीफ या भुट्टो के नीचे काम कर रहे होंगे। यही तो प्रॉब्लम है, यही दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम कि आपके हाथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म हो गई, ग्रास रूट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट खत्म हो गई, ये वो आपकी नर्सरीज हैं, और अब नर्सरी कौन सी रह गई है? माजरत के साथ सिर्फ एक ही रह गई है, जिसको गेट नंबर 4 की पैदावार कहा जाता है, जहां से पॉलिटिशियंस निकलते भी हैं, खत्म भी हो जाते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस थे हमारे एजुकेशनल, जो लोकल ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स, ये आपकी यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 4 नहीं है, कोई और गेट नंबर 4 नहीं, बड़े समझदार है, जानते हैं आजकल सब, कम से कम सोशल मीडिया तो सब इस्तेमाल करते हैं।
सो ये चीजें अगर खुलनी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स खुल जाए, आपकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत हो जाए, ये आपने अजारादारी से, आपने से मुराद पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, लोकल गवर्नमेंट कोई एम्पावर नहीं होने देना चाहता। क्यों नहीं होने देना चाहता? क्योंकि वहां से लीडर निकलेंगे गली मोहल्लों से, जो गली मोहल्लों के मसाइल हल करेंगे, तालीम का मसला हल करेंगे, सेहत का मसला हल करेंगे, रोजगार का मसला हल करेंगे, आगे बन के मिनिस्टर ना बन जाएं, चीफ मिनिस्टर ना बन जाएं, किसी की प्राइम मिनिस्टरशिप पे खतरा ना पड़ जाए। उस्मान बुज़दार किसने रखा गया था? इसीलिए रखा गया था ना कि एक कमजोर बंदा होगा जो किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकेगा। ठीक, सो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने। जी, अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन ये आपसे, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियंस इतने इमैच्योर हैं, यानी कि वो इमैच्योरिटी की दो सूरत हो सकती है, या वो नाहिल हैं या वो फिर वो खुद परस्ती को फोकस करते हैं। तो अगर हमारा पॉलिटिशियन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इतना इमैच्योर है, तो मैं समीउल्लाह, मैं ये क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी खुद परस्ती पर फोकस करूं और मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं जहां पर मुझे अच्छी डिलीवरेंस मिल रही है, जहां पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। मैं समीउल्लाह अपनी खुद परस्ती और फोकस करके बाहर क्यों ना जहां पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज, क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बट्टी साहब जवाब दे बच्चेगा, क्यों ना जाए भाई? समीउल्लाह बैठ जाए, मैं आपसे एग्री करता हूँ भाई। दो बातें, एक तो खुदा के लिए अब इससे निकल जाएं कि अगर कोई कहता है कि आज आज़ाद अदलिया नहीं है तो ये कोई फाशिज़म है, इससे निकलें खुदा के लिए। अपने आप को वो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा था जस्टिस काजी फैज़ ईसा को, एक बड़ी कुर्सी पर एक छोटा आदमी जो बैठा रहा, उसको खत लिखा कि आपने जब ये सारा कुछ हो रहा था आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे रहे, तो अब शुतुरमुर्ग की तरह आपके सामने कम अज़ कम हमें सच बोलना चाहिए जितना हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि आपने कभी शर्मिंदा नहीं होना इस बात पे कि आप कोई फाशिज्म कर रहे हैं या आप कोई बड़े कोई कर रहे हैं या तालियां कम बजा रहे हैं या तालियां ज़्यादा बजा रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। आपको आप आज बताएं कि इस मुल्क में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां इस ये जो जो हम फेस कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारों ने किया, लेकिन इस अभी बात हो रही थी कि चाइना के लोग उधर है, अब चाइना के लोग डंकी ट्रेडिंग करके जाते हैं, डंकी वो सफ़र करके जाते हैं। 24 शहरों पर UAE ने पाबंदी लगाई है कि ये भिखारी हैं। भाई हम क्यों ना भिखारी हों जब हमारे ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा कश्कोल लेके एक साइड पे आप यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में, बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स की लाइनों में, जकात की लाइनों में, फलानी लाइनों में, ऊपर भिखारी नीचे भिखारी। दूसरी बात ये भाई जान कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ों ने लूट लिया है, अब इसमें से नंबर वन कौन सी है, एक नाहली और एक करप्शन और खुद परस्ती तो है ही। अभी मुराद अली शाह साहब अगले दिन फरमा रहे थे कि आपको मुबारक हो, मीर ज़ुल्फ़िकार अली पैदा हो गया। आप अंदाज़ा करें, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई ताया बन गया, कोई फूफी बन गया। मैं सोच रहा था किसी दिन मिलूं कि मैं क्या बन गया। मुकम्मल वीडियो देखिए, आपने देखा कि इरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी यंग जनरेशन पढ़ लिखकर पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रही है। इसकी बड़ी वजह इरशाद भट्टी ने बिल्कुल दुरुस्त बयान की कि इस मुल्क पर दो खानदानों का कब्जा है, इनके बेटे और बेटियां ही हमेशा CM लगते हैं, ये किसी और को आगे आने का मौका देते ही नहीं, इन्होंने इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। नाज़रीन, आप इरशाद भट्टी की इस राय से कितना इत्तेफाक करते हैं? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।